नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के कई जिलों में हुई बारिश के बाद से मौसम में ठंड का एहसास होने लगा है। रात के समय और सुबह सुबह चादर के बिना रहना मुश्किल हो गया है। हालांकि ऐसा मौसम है जब आप चादर ले और पंखा ना चलाए तो गर्मी और पंखा चला दे तो ठंड का एहसास होने लगता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये ठंड की दस्तक है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी हिस्से पर स्थित चक्रवाती हवा शिफ्ट होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्से पर एक्टिव हो गई है। इसका असर बिहार के उत्तरी पूर्वी और उत्तरी मध्य हिस्से पर दिखाई देगा, जिसके तहत बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया सहित 14 जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की आशंका जताई गई है। इधर पटना, गया सहित 24 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे। वहीं बेमौसम हुई बरसात की बात करें तो पिछले 72 घंटों में 28.66 मिलीमीटर बारिश होने के बाद पटना में दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस दौरान रात का पारा अपने न्यूनतम स्तर पर 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन में तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य के बराबर था। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल दोनों दिन तापमान में गिरावट आने की बात कही गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में पश्चिमी हवाओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में ठंड जल्द ही दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आज और कल पटना समेत राज्य भर में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि आने वाले 2 हफ्ते तक कमोबेश पूरे बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। राजधानी समेत राज्य भर में तापमान में कमी आएगी, विशेष रूप से अधिकतम तापमान घटेगा। पटना में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह आने वाले समय में तापमान में और कमी आती रहेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार से भले ही मॉनसून ने अलविदा कह दिया हो, लेकिन बेमौसम बरसात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं किसानों के सामने तो आपदा ही जैसे आ गई हो, क्योंकि अभी आलू खनन और धान काटने का समय आ गया है। ऐसे में बारिश के कारण आलू के सड़ने और धान के नहीं कटने की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिससे किसान काफी परेशान है और प्रकृति के सामने मजबूर है। वहीं कई जिले जो अभी बाढ़ से पूरी तरीके से निजात भी नहीं पा सके थे, उन जिलों पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि कोसी समेत कई ऐसी नदियां हैं जिनका जल स्तर एक बार फिर से डराने लगा है। हालांकि एहतियातन नदियों के आसपास बसे गांव कस्बों को खाली करवाने में अभी से ही प्रशासन जुट गया है, साथ ही नदियों के जल स्तर पे भी नजदीक से नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।